नमस्कार मध्यान खबर को स्वागत करछी मुसपना संपूर्ण खबर को जीवा पूर्व नजर पकाइबा हेडलाइंस उपरे मालकानगिरी रे मातिले माओवादी ठिकादार को हत्या परे जाळी देले रास्ता कामरे लागिथिबा गाड़ी पड़िले घटना पछरे दरबार डिविजन नक्सल संदेह कोर्टे हाजर हेले प्रदीप पाणिग्राही कैपिटल हॉस्पिटल नेबा पूर्वरु कहिले जस्ट वेट एंड सी दुई दिनिया रिमांड नहीं पचरा उचरा करुथला क्राइम ब्रांच पुणी शिशु निखोज गजपतिरु सात वर्षीय शिशु जानू हार्दिंग को उठाई नेले दुर्बृत्त घर सामनारु बाइक रे अपहरण अभियोग काशीनगर पुलिस रो छानबीन मिला ढेंकानाल निखोज शिशु आयुष रो मृत देह खंकीरा गाँव घर पाख कोरु शव उद्धार कई हत्या करी फिंगी देइथिबा अभियोग गत काली गाँ दांडरु निखोज होई जाइथिला तीन वर्षर शिशुपुत्र कमुची संक्रमण कमुनी भय आज 407 पॉजिटिव चिन्हट क्वारंटाइन 203 स्थानीय संक्रमण 148 पुणी 5 मुंड नेछि महामारी रक्त संपर्क रे लागिला कलंक सांग सह बुली जिबारु भौणी को हत्या कला भाई पुअर भूल लुचाइबा को झियर शव पड़ीदेले बापा और सावतमा तदंत पर अभियुक्त मानक गिरफ्त कला पुलिस भारत बांग्लादेश मध्य द्विपाक्षिक आलोचना चिल्हाटी और हाल्डीबारी रेल लिंक रहा शुभारंभ कोरोना समय मजबूत हो संपर्क नूतन संजोग प्रकल्प उपरे दुई देशर नजर मयूरभंज बारीपदारे जाल नोट कारोबार 585,000 नकली नोट सह बाइक जबत बाहर राज्यरु काम करुछि बड़ रैकेट झारखंड दुई युवकों अटक रखी पुलिस खोलताड़ एवं बंदूक मुनरे झांपी नेले 15 लाख टंका खोर्धा जिला बाणपुर एरिया बाइपास छक लुट पुरीरु 4 जन व्यवसायी फेरुवा बेले डकायती बाणपुर पुलिस और खोर्धा एसपी पक्ष तदंत आरंभ मालकानगिरी पुणी मातिले माओवादी ठिकादार को हत्या करिबा परे जाळी देइथिबा अभियोग रास्ता कामरे लागिथिबा मेसिन और गाड़ी को पोड़ीदेइछंती नक्सल मालकानगिरी माथिली थाना जंत्रागुड़ा निकटरे एभली घटना को नहीं चांचल्य सूचना अनुसार जंद्रागुड़े उन्नयनमूलक विरोध करी एभली कांड भ्याइछंती माओवादी एहि पोकोलिन को क्षतिग्रस्त करिबा सह बोलेरो रे निया लगाइछंती एपरिकि संप्रुक्त ठिकादार को मध्य हत्या करा जायथिबा कहउछंती ठिकादार को ना सुकुमार मंडल बोली जणापड़िछि तेबे आनुष्ठानिक भाबरे पुलिस पक्षरु कोनोसी स्पष्ट सूचना दिया जाय नाही घटना रे दरभा डिविजन रो माओवादी शामिल थिबा संदेह करा जाउछि तबे संपर्कित अधिक सूचना देबे मालकानगिरी रु आम प्रतिनिधि विक्रम स्वाई फोन इन रे आम सहित जोड़ी होइछंती विक्रम जहाँ खबर आसी पहुँचुची मालकानगिरी रे ठिकादार को हत्या करिबा परे जाळी देथिबा अभियोग तबे संपूर्ण घटना कोन थिला जानिबा को चाहिबा हाँ स्वप्ना देखो मालकानगिरी जिले में माथिली मालकान जिले माथिली अंचल में माओवादी निजर उपस्थिति पुणी थे जाहिर करते स्वाभिमान अंचल जी कह मालकान जिला दुईट बड़ अंचल जोड़ा कि माओवादी दबदबा सब रही आथिली अंचल हो कि स्वाभिमान अंचल हो किसी दिन पूर्व देखा एनकाउंटर दुज माओवादी मृत्यु होता डीजी गस्त करते बर्तमान जो माओवादी जो एवं तुम कांड घटे जन ठिकादार को मारवास गोटे गाड़ी पड़ता सहित गोटे मेसीन को क्षतिग्रस्त करती कहवा माओवादी निजर उपस्थिति पुणी थे जाहिर करते तबे विक्रम सेठारे केते जण माओवादी लुचि रहिछंती से नै किछि अपडेट आछि कि देखो स्वप्ना जी कह दरभा डिजन हो जिलार सब बड़ ग्रुप जी कह माओवादी सब बड़ ग्रुप हो दरभा डिजन ग्रुप हो सब बड़ ग्रुप तो ये ग्रुप रे बहुत कैडर माओवादी रहा जो रही लीडर मैंने ग्रुप रही था प्राय समय तो माथिली अंचल हूँ सब भौगोलिक स्थित माथिली अंचल सुहाँ कारण पड़ोसी पाखे रही छत्तीशगढ़ यठार किसी कांड घटाई छत्तीशगढ़ जावाक सुविधा होता है तो से माथिली अंचल अधिकांश माओवादी लुचि रही कथा जमापड़े विक्रम जब सूचना देउथले मालकानगिरी सबुबेले प्रायतः माओवादी दबदबा देखा मिली था तेज ठिकादार को कौन पाए नक्सल माने जहां हत्या कर सूचना रही देखो स्वप्ना जी कह मलकान जिले में नक्सल गोटे बड़ समस्या जो देखा जाए जो कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन मान जो रास्ता घाट तैयारी चलती से नक्सल मान बहुत बड़ चिंता रही जाइए जे सिक्यूरीटी फोर्स मान मुमेंट सेपटे हो जाए तो से रास्ता कम को विरोध कर नक्सल को हत्या करता सहित मेसीन गुड़ पड़ी थी सूचना मिली जाए
निश्चित भाव जहाँ विक्रम आप सूचना देते मलकानगिरी में पुणी मतिले माओवादी ठिकादार को हत्या करने पर रास्ता कम लगी मेसीन और गाड़ी को पोड़ी नक्सल। धन्यवाद विक्रम आपण समस्त अपडेट पाई। भुवनेश्वर एसडीजीएम कोर्टे हाजर हेले विधायक प्रदीप पाणिग्राही। हाजर हेबा समय रे प्रदीप गणमाध्यम प्रतिनिधि सम्मुख रे कोनोसी सूचना दे नथिले। एही समय रे प्रदीप को स्त्री मध्य किछि कहि नथिले। एही समय रे प्रदीप गोटिए ही कथा कहिथिले, वेट एंड सी। सेहिपरी नियुक्ति जालियाती घटनारे गोपालपुर विधायक प्रदीप पाणिग्राही सहयोगी सर्वेश्वर राव को जेरा करुछि एसआईटी। क्राइमब्रांच ऑफिस रे सर्वेश्वर राव को पचरा उचरा जारी रही। आकाश पाठक व्यक्तिगत सचिव पीटर को जेरा बेले से सर्वेश्वर ना नहीं तेणु सर्वेश्वर ठार् तथ्य उगा चेष्टा करुच्ची एसआईटी। तेरे सर्वेश्वर आकाउंट्रु प्रदीप आकाउंट को केते टंका जाई से नहीं तथ्य संग्रह करुच्ची। पुणि शिशु निखोज गजपति काशीनगर 7 वर्षर शिशु निखोज अभियोग। गतकाली संध्या रे जानू मनमधा राव को पुओ जानू हार्दिंग को केही उठाय नै थिबा अभियोग होईछि। किछु दुर्बुत बाइक रे तांको उठाय नै थिबा परिवार लोके थाना रे अभियोग करिछंती। घर बाहर खेलुथबा समय रे तांको उठाय निया जाईछि। तबे केउ कारणरु ओ केउ माने ए कांड भियाइछंती ताकु नै तदंत आरंभ करिछि पुलिस। मिलिला ढेंकानाल निखोज शिशु आयुषर मृतदेह। घर पाख कूर शिशु पुत्र शव उद्धार होईछि। केही हत्या करी शिशु पुत्र को कूर फिंगी देइथिबा संदेह करा जाउछि। गतकाली गाँ दांडरे खेलुथबा बेले निखोज होई जाइथिला खंकीरा गाँर 3 वर्षर शिशु पुत्र। बहु खोजा खोजी परे भी आयुषर कौनसी पता मिलिनथिला। एने निहाल प्रसाद थाना रे एतला देइथिले निखोज शिशुर बापा। अभियोग परे पुलिस खोजा खोजी आरंभ करथिबा बेले आज कूर आयुषर मृतदेह उद्धार होईछि। शिशु पुत्र मृत्युर कारण जना पड़िनथिबा बेले पुलिस तदंत जारी रखिछि। रक्तर संपर्क रे लागिला कलंक। सांगो सह बुली जीवारु भौणी को हत्या कला भाई। पुओ को बंचाइबाकु जाई झियर शव पोड़ीदेले परिवार लोके। कलाहांडी जिला लांजीगढ़ ब्लॉक दारपटा गाँव में घटी एभली जघन्य हत्याकांड। अनिता गत 7 तारीख रे सांग बनिता साहू सह तुमेर मुंडा गाँव को एक भोजी को जाइथिबा बेले 4 दिन पर घर को फेरिला। जहाँ नहीं भाई अलेख बेहरा ताको गाळीगुलज करबा सह प्रबल माड मारिथिले। फलरे घटनास्थल रे ही अनितार मृत्यु हो जाइथिला। परे बापा केशनी बेहरा और साबत माँ कौशल्या जाणीपारी निज परिवार कथा को लुचाइबाकु जाई मृत अनितार शव को पोड़ी देथिले। ग्रामवासी हत्या संदेह करी विश्वनाथपुर थाना को खबर देथिले। पुलिस तदंतरु एहा एक हत्याकांड बोली सुराक मिलिथिला। साइंटिफिक टीम रो सहायता रे शमशान रो हाड़ पाउंस जबत करा जाइछि। घटना मुख्य आसामी मृतकर भाई अलेख बेहरा बापा केशनी बेहरा और माँ कौशल्या बेहरा समेत एथिरे सहयोग करिथिबा अन्य 9 जन को गिरफ्त करी कोर्ट चालन करिछि पुलिस। राज्य रे आउ 407 जन कोरोना आक्रांत चिन्हट होइछंती। सेमानंक मध्यरो 203 जन क्वारंटाइन सेंटर रथिबा बेले 148 जन स्थानीय संक्रमण। तबे फळरे राज्य रे मोट कोरोना आक्रांतक संख्या 325,147 रे पहुंचिछि। एहा सह 320,208 जन सुस्थ होइतिबा बेले 3,061 जन चिकित्साधीन अछंती। आजि अनुगुल रु 41 जन चिन्हट होइतिबा बेले बालेश्वर 17, बरगढ़ 8, भद्रक 5, बलांगीर 10, बौद्ध 2, कटक 27, देवगढ़ 2, ढेंकानाल 3, गंजाम 2,
जगतसिंहपुर 8, जाजपुर 6, झारसुगुड़ा 11, कलाहांडी 3, केन्द्रापड़ा 9, केन्दुझरु 8, खोर्धारु 52 जन, तबे कोरापुट 1, मालकानगिरी 2, मयूरभंजरु 17 जन, नवरंगपुरु 6, नयागढ़ 1, नुआपड़ारु 21 जन, पुरीरु 3, संबलपुरु 26, सोनपुर 1, सुंदरगढ़ 47 जन चिन्हट होती। ସେହିପରି ଷ୍ଟେଟ୍ ପୁଲ୍ 12 ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେପଟେ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 5 ଜଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ନେଲା ମହାମାରୀ। ଏହାକୁ ମିଶାଇ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ କରୋନା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 1825କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ନୟାଗଡ଼ ପରି ଅପହରଣ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ବିଜେପିର ଏବେ ଯାଇଁ ଯାହା ପ୍ରତିବାଦ ଜାରି ରହିଛି, ସେଠାରେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରଦୀପ୍ତ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଦୀପ୍ତ, ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବା ସେଠାକାର ମାହୋଲ କ'ଣ ରହିଛି? ତେବେ ସ୍ୱପ୍ନା, ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ, ପରୀକୁ ଯେଉଁପରି ଭାବେ ଅପହରଣ କରାଗଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ହତ୍ୟା କରାଗଲା ଏବଂ ଘଟଣାକୁ ପାଖାପାଖି 5 ମାସ ହୋଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ନା ଦୋଷୀ ଧରା ପଡ଼ିଛି ନା ଯେଉଁ ତଦନ୍ତ SIT ଗଠନ କରିଥିଲେ ସରକାର, ତା'ର ତଦନ୍ତର କୌଣସି ପ୍ରକାର ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାରି ପଡ଼ିଛି। ଗତକାଲି ହୁଏତ SIT କୋର୍ଟରେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟାଟସ୍ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି, ତାହା ବନ୍ଦ ଲାଫାପାରେ ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାହା ଭାଇରାଲ୍ ହୋଇଥିଲା, ତାକୁ ନେଇକି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଯାହା ସେ ଷ୍ଟାଟସ୍ ରିପୋର୍ଟରେ ରହିଛି ଯେ ପରୀକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ପରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଯାହା ପରୀର ପୋଷାକରୁ ହିଁ ତା'ର ଯେଉଁ ଚିହ୍ନ ରହିଥିଲା ସେଇଥିରୁ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ଯଦି ପରୀ ସହିତ ଦୁଷ୍କର୍ମ ହୋଇଥିଲା, ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ତ ଏକ୍ଜାମିନ୍ ହୋଇଥିବ, ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ତା'ର ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ହୋଇଥିବ, ପୂର୍ବରୁ କାହିଁକି ଜଣାପଡ଼ୁନଥିଲା? ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା, ତାହାକୁ ପୁଲିସ କାହିଁକି ସାର୍ବଜନୀନ କରାଯାଇନଥିଲା? ତାହାକୁ କାହିଁକି ପୁଲିସ ପରୀ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ କାହିଁକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟ ଦିଆଯାଉନି? ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହି ପରୀକୁ ନ୍ୟାୟ ଦାବିରେ ପରୀକୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, ଯିଏ ବି ହତ୍ୟାକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ଏବଂ ପରୀକୁ ନ୍ୟାୟ ଦାବିରେ ବିଜେପିର ଧାରଣା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଦାସଳ ଦୃଶ୍ୟଠାରେ ଯାହା ରହିଛି। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଧାରଣା ଆଜି 13 ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯାହା ଦାବି ରହିଛି, ପରୀକୁ ନ୍ୟାୟ ଦିଆଯାଉ, ପରୀ ଯେଉଁପରି ଭାବେ ରହସ୍ୟଜନକ ଅବସ୍ଥାରେ ତାକୁ ଅପହରଣ କରାଗଲା, ତାକୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା ଏବଂ ଏଇଠି ଏଠାକାର ଯିଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି, ଏଠାକାର ଯିଏ ବିଧାୟକ ରହିଛନ୍ତି କ୍ଷମା କରିବେ ଏବଂ କୃଷି ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି ଅରୁଣ ସାହୁ, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି। ତ ତେଣୁ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଯାହା ଦାବି ରହିଛି ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କୁ ଇସ୍ତଫା ଦିଆଯାଉ ବା ତାଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଉ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରୁ ଏବଂ ତା ସହିତ ପରୀ ହତ୍ୟା ଘଟଣାର, ପରୀ ଅପହରଣ ଘଟଣାର CBI ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରେ ବରଗଡ଼ ସାଂସଦ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ନୟାଗଡ଼ର ଯିଏ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥିଲେ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଇରାନ ରାୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି ଲାଲା ମନୋଜ ରାୟ, ସେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଧାରଣା 13 ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯାହା ଦାବି ରହିଛି ଯେ ସେମାନେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରୀକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିନାହିଁ ଏମିତି ଧାରଣା ଚାଲିଥିବ, ଏମିତି ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଥିବ ଅନ୍ୟାୟ ବିରୋଧରେ, ତେବେ ଆମେ ସେଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ସୁରେଶ ପୂଜାରୀଙ୍କ ପାଖରୁ, ବରଗଡ଼ ସାଂସଦଙ୍କ ପାଖରୁ, ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଘଟଣାକୁ ନେଇକି। ଆଜ୍ଞା, ଏ ଯେଉଁ ପରୀ ଅପହରଣ ହେଲା, ତାପରେ ହତ୍ୟା ହେଲା, ଘଟଣାକୁ ପାଖାପାଖି 5 ମାସ ପୂରିଯିବାକୁ ବସିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ନା ଯିଏ କିଏ ତାକୁ ହତ୍ୟା କରିଛି ବା SIT କାଲି ଯାହା ରିପୋର୍ଟ ଦେଲେ ତା ସହିତ ଦୁଷ୍କର୍ମ ହୋଇଛି, ତାପରେ ହତ୍ୟା ହୋଇଛି, କୌଣସି ଦୋଷୀକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ନା ପୁଲିସ ସକ୍ଷମ ହେଲେ ନା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ SIT ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା IPS, ସିଏ ସମର୍ଥ ହେଲେ ଏହି ଘଟଣାକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ତାଙ୍କ ପରିବାର ବା ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ଯେ ଅଙ୍ଗ ତସ୍କରୀର ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି, ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ତା ଉପରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବା ତା ଉପରେ କୌଣସି ତଦନ୍ତ ହେଉନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ହଠାତ୍ 5 ମାସ ପରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ତା ସହିତ ଦୁଷ୍କର୍ମ ହୋଇଥିଲା, ହତ୍ୟା ହୋଇଥିଲା, ଏ ଘଟଣାକୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରକୃତରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ଯେ ସମାଜରେ ବହୁତ ସମୟରେ ହିଂସା ହୁଏ, ହିଂସା କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଶିଶୁ ଉପରେ ହିଂସା ହେବା ଏଇଟା ସମାଜ ପାଇଁ ଶୁଭ ସୂଚନା ନୁହଁ, ଏବଂ ଗୋଟେ ହିଂସା ହେବା ଏବଂ ଯେଉଁଟା ଶିଶୁ ନିର୍ଯାତନାର ଶିକାର ହେବା, ହତ୍ୟାର ଶିକାର ହେବା, କାରଣ ଯାହା ପାଇଁ ବି ହଉ, ସେଇଟା ତ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ଆହୁରି ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହେଲା ଯେ
जे जे मैंने सरकार अच्छा जो मैंने दायित्व अच्छा जो मैंने आईनटा को बाट कढ़ेवाई अच्छा अपराधी को दंड देवाई अच्छा से मैंने से कार्य सक्षम होना राजधर्म पालन करिवारे विफल होता गणतंत्र आहुरी चिंतार विषय परी तो एक शिशु समाज एक सांकेतिक शिशु जो जार हत्या को लेकर आंदोलन रे भारतीय जनता पार्टी अच्छी किंतु एटा गोटे परी कहले गोटे विषय आज दिन रे नुह ओडिशा रे विगत 20 वर्ष भितर एवं मुख्यतः गला 5-7 वर्ष भितर जो भली भाव में शिशु निर्यातना वृद्धि पाउची शिशु अपहरण वृद्धि पाउची एवं शिशु हजिबा एवं नमिलिबा एवं नमिलिबा पछरे अंग प्रत्यंगर तस्करी कथा जोटा आम कौ प्रति सन्देह एवं एवं राज्य सरकार एवं राज्य सरकार तदंतकारी संस्था मान नीरवता एवं विफलता ओडिशा को सामग्रिक भाव में शिशु समाज को विपदापन्न करिछि जोटा चिंतार विषय मुख्यमंत्री गृह विभाग दायित्व अच्छा एवं साधारण लोक को आपण पचारे जे तदंत किए कै आपण तदंत करें कि मुँह तदंत करें कि कलेक्टरटे तदंत कर कि अपराधर तदंत पुलिस करिथाए एवं आईपीएस डेजिग्नेशन ताकू तदंतकारी ऑफिसर दायित्व दिए ना सी जदि थानार ऑफिसर अच्छा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अच्छा किंबा तदुर्ध पुलिस विभाग अधिकारी अच्छा से मैंने तदंत कर जो मानकर स्टेटमेंट रेकॉर्ड करिवार क्षमता थाए जो मानकर जप्ती करिवार क्षमता थाए जो मानकर परवर्ती अवस्था रे साक्ष्य देवार क्षमता थाए एवं जो मानकर अपराधी को गिरफ करिवार क्षमता थाए मुख्यमंत्री एभलिया गोटे एस आई टी गठन कले जो एस आई टी मुख्यंकर ना तदंत करिवार अधिकार अछि न्यायसंगत तदंत करिवार ना गिरफ करिवार अधिकार अछि पुलिस 4 मास विलंब कला परे मध्य थळकूळ पाइला नै एवं मो पाखरे जेतकि तथ्य अछि आहुरी तथ्य आमे संग्रह करू जे आरंभ रु ही ये तदंत को बाटबणा करवाई अपराधी को साहय करने परोक्ष भाव तदंत को बाटबणा करने उद्यम कले जो मानक नहींकर ये मैंने तदंत कर अपराधी आशंका करके लोके सहजरे ग्रहण करूना मु गोटे वकिल हिसाब से कहवापी चाहे जे प्रत्येक अपराध पछरे कौनसी ना कौनसी कारण थाए बिना कारण रे अपराध हुए ना आम मोटिव बोली कहू इंटेंशन एवं मोटिव ये दुईटा अपराध को करने अपराधी को प्रेरित करते बड़ पर्यंत तो मोटिव जानीपार ना लोकाल पुलिस 4 मास भितर एबे से समय विधानसभा गृह राष्ट्रमंत्री शारीरिक निर्यातना एवं जौन निर्यातनार प्रमाण मिलूना बोली कहले लोकल पुलिस 4 मास भितर आद प्रमाण पाइला नहीं जे जो जौन निर्यातनार शिकार होता पर एस आई टी कौच जौन निर्यातनार प्रमाण तक हस्तगत हो तो किए बाटबणा कर द्वितीय एस आई टी रो तदंत ये तदंत को देखिबार हाईकोर्ट रो जज किए कार तत्वावधान ये तदंत चली सरकार स्पष्ट करना मुख्यमंत्री 28 तारीख दिन राज्य सरकार गोटे चिठी लिखिदेले हाईकोर्ट को से चिठीटा डेस्पाच है कि नहीं मत जाना ना हाईकोर्ट में पहुँचला कि नहीं मत जाना ना हाईकोर्ट रु उत्तर मिलला कि नहीं मत जाना ना कहीं मुख्यमंत्री मुख्य विचारपति सांगे सीधा सड़क कथा हेले ना जमी गोटे आम एस आई टी तदंतपी निष्पत्ति करूँ आपणकर सहायता दरकार जड़े किए गोटे सीनियर विचारपति को जदि आप चिह्नट करते निष्पत्ति करते से तदंतर संपूर्ण भाव में जो देखरेख करने कथा से काम करते मुख्यमंत्री कथा लगे समय नहीं गोटे छुआटे मरीगला जो छुआ मरीगला आज ओडिशार जिते लोक पितामाता अच्छा केवल जे परीर पितामाता नुह मो भाया जो मैंने पिता अच्छु जो मैंने माता अच्छा समाज समस्ते विचलित तो गोटे छोट निष्प्राव शिशुर हत्या होगा एस आई टी रो तदंत मत जहाँ मो पाखे तथ्य अच्छी संपूर्ण कागजपत्र में मागुचु तदंतरे गुड़िए डेड बॉडी तो संपूर्ण भाव रिकवरी है किसी हाड़ फाड़ रिकवरी
तार डीएनए टेस्ट हला कि नाई चिन्हट हला कि नाई जो जार हाड़ पुलिस एसआईटी माने ठाब कले तार केमिकल एग्जामिनेशन हला कि नाई फोरेंसिक लेबोरेटरी को गला कि नाई एवं एवं जौन निर्यातना को प्रमाणित करने जो मैंने सन्देहर घेर अच्छा एवं जो मान बाबद सारा ओडिशा चर्चा करुच्ची विधानसभा चर्चा है से कहीं इन्वेस्टिगेशन परिसर भितर को अणा हो ना ये जड़े मंत्री ना आईन को गतिरोध करने तदंत को बाटबणा करने आरोप आसला गोटे अपराध करवाटा जिते बड़ अपराध अपराध को लुचवापी जे चेष्टा करे से मध्य अपराधी इंडियन पेनाल कोड रे से व्यवस्था अच्छी कहते कंसीलमेंट ऑफ एविडेंस जे जे तथ्य प्रमाण को लुचवापी चेष्टा कर जे अपराधी को आश्रय देवाई चेष्टा कर जे अपराधी को तदंतर बचेवापी चेष्टा कर सी मध्य अपराधी ताकू कहीं तदंत भितर कर परिसरभुक्त कराना ये सामग्रिक विषय गुड़िए प्रश्न उत्तर मुख्यमंत्री को देवाई पड़ो परी एक शिशु जे सांकेतिक भाव शिशु समाज प्रतिनिधित्व करूँगी आज आज जो धारणा जे केवल परी प्रति न्याय हो परीर अपराध जे मैंने अपराध कले दंडित हो नुह किमी गोटे सुस्थ शिशु अपराध मुक्त समाज तैयारी हेब मोर आज भी मन अच्छी अमेरिकार जन दक्षिण आफ्रिका जन राष्ट्रपति थे नेल्सन मंडेला नेल्सन मंडेला उक्ति थिला जे गोटे समाज केपक्व के रुद्धिमंत के जानिए आप कमी जानवे जे से प्रदेश सरकार से प्रदेश समाज किभली भाव शिशु मान जत्न नौ शिशु मानक अपराध दिन वंशधर आगामी दिन वंशधर जो मैंने समाज को निर्माण करेंगे राज्य को निर्माण करेंगे जो मैंने देश को निर्माण करेंगे इतिहास रचना करेंगे सी मानक केमी जत्न गोटे समाज निए से किमी अपराधर से बचे से निरापद रखे जी जत्न निए तार मात्रा उपरे गोटे समाज के रुद्धिमंत कही हेब आ मत आज मन पड़ू नेल्सन मंडेला उक्ति नेल्सन मंडेला आज बंची थांते एवं उड़ीसा को आसबार सुजोग पाई थांते नयागढ़ को आसबार सुजोग पाई थांते से आश्चर्यचकित होतांते जे आफ्रिकीय देश में जितकी शिशु निर्यातना हो ना एकविंश शताब्दी में भारत वर्ष स्वाधीनतार 70 वर्ष पर नयागढ़ जिला एवं उड़ीसा विभिन्न जगार शिशु मान को जमी भाव में शोषण कराँ शोषण करुवा अपराधी मैंने सरकार छत्र छाय तले रहीकि कर सरकार जो मैंने राजधर्म पालन करने कथा और अपराधी को दंडित करने कथा अपराधी को मुक्त करने बचाप जो प्रयास करते लगुच आज नेल्सन मंडेला जी एठिक आड़सा को आते नेल्सन मंडेला तो बर्तमान आसीपर नहीं कितु जे गृहराष्ट्र मंत्री अच्छा कैप्टेन दिव्यशंकर मिश्र जे यही अंचल विधायक एवं कृषि विभाग मंत्री अरुण साहू तांको अंचल रे एते बड़ अपराध घटी केवल जे परी निखोज होई छी ताहनुए परी भली स्वाति मध्य निखोज होई रणपुर अंचल विधिपाटणा गाँव में तार मध्य मृतदेह मिल सारा आशु बोली गोटे छुआटे सी भी निखोज होता तार बर्तमान सुधा पता ना सी दीर्घ दिन बीतीगला कि सुजोग अच्छे ये आसबार निज अंचल से दायित्व ओडिशा दायित्व अच्छा कितु एटी माँ कांदुची बापा कांदुची समग्र नयागढ़ बर्तमान कांदुची जे आम शिशु मैंने सुरक्षित अच्छा कि ना एटी कितु मंत्री कि विधायक कहीं आसुना नहीं सीटा तो मुझे गणतंत्र विलक्षण यहाँ ओडिशा रे जे जो मानक आम निर्वाचित करो मानक दायित्व देचु जे लोकंर समस्या सांगे जोड़ी हेब लोकंर समस्या समाधान करने चेष्टा कर लोक गोटे गोटे सरकार देखो हजारेटा काम थाए रास्ता निर्माण करवा कोठा निर्माण करवा जलसेचन करवा इंडस्ट्री तैयारी करवा हजारे काम थाए सब बड़ काम कौन राज्य सरकार राज्य सरकार सब एक नंबर काम है आईन श्रृंखला को रक्षा करवा लोकंर धन जीवन रक्षा करवा यहाँ हूँ एक नंबर काम ओडिशा सरकार पाखे ओडिशावासी ओडिशार शिशु मान जीवन रक्षा कर तो आदो एजेंडा रे ही नाई केवल नयागढ़ तीन जन शिशु निकट अतीतर घटी घटना आप उल्लेख करम पाखे जो स्टाटिस्टिक्स अच्छी विगत पांच सात वर्ष भितर पांच हजार रु ऊर्ध शिशु और हजार स्टेशन डायरी एंट्री विभिन्न पुलिस स्टेशन मानकू एते बड़ पर्यंत से स्टेशन डायरी को लेकर से शिशु को ठाब कर सरकार विफल एवं शिशु अपहरण हबार कारण कौन हो पारे आजिकल जो भाई भाव में अंग तस्करी चलती जो भाई भाव में शिशु कन्या को अपहरण कर आगामी दिन अनैतिक काम व्यवहार करने शिशु बिक्री करने शिशु को नयागढ़ जिलापा कार्यालय ये अच्छी से बड़ बड़ अक्षर लिखाई है झील को बचातु सीटा तो दुर्भाग्य विषय जी 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 बाप हो
ସେ ଛୁଆର କଷ୍ଟ ଜାଣିବ ଯେ ବାପ ହେଇଥିବ ଗୋଟେ ମାଆ ବାପା ବସିଛନ୍ତି ଏଠି ଗୋଟେ ନିଷ୍ପ୍ରାବ ଶିଶୁର ଅପହରଣ ଏବଂ ହତ୍ୟା ଏବଂ ତାର ସାଙ୍ଗରେ ସାଙ୍ଗରେ SIT ଯେଉଁଟା କହୁଛି ତା ଉପରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟଭିଚାର ହେଇଥିଲା ସେ କଥା ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ କେତେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିବ ଗୋଟେ ବାପା ହିସାବରେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସରକାରରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ ଓଡ଼ିଶାର ବାପା, ସେମାନେ ଆମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପରିବାରରେ ବାପା, ଆମେ ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ବାପା, ଓଡ଼ିଶାର ମା, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ବାପା ଏବଂ ମା ତାଙ୍କର ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଯେ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁ ପ୍ରଜା ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଶିଶୁ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ। ଏବଂ ପରି ଅପହରଣ ହତ୍ୟା ମାମଲା ତେବେ ଧାରଣା 13 ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଛି ବିଜେପିର ଧାରଣା। ତେବେ ବରଗଡ଼ ସାଂସଦ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ମଧ୍ୟ ଧାରଣାରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରଦୀପ୍ତ। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ। ଅଭୟକାନ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅବସର। ତେବେ ଦୁର୍ନୀତି ସମ୍ପର୍କରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ସୁପାରିଶ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ପୂର୍ବରୁ ଅଭୟଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା ଅଭୟଙ୍କ ନାଁରେ। ତେବେ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବେ ଫୋନ୍ ଇନ୍ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରତିନିଧି ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଦିବ୍ୟ, ଯାହା ସୂଚନା ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ଅଭୟକାନ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅବସର, ପୂର୍ବରୁ ଅଭୟଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ଆସୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅଭୟକାନ୍ତ ପାଠ ନାଁରେ ଗୁଡ଼ାଏ ମାମଲା ରହିଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସୁପାରିଶ କରିଛନ୍ତି, ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦୁର୍ନୀତି ସମ୍ପର୍କରେ, କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କଠୁ 20 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠାବ କରାହେଇଛି। ତା ସହିତ କରୋନା ସମୟରେ ସେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ବିଳାସ ବେଷଣ ଜୀବନଯାପନ ଅତିବାହିତ କରୁଥିଲେ, ବାହାରେ ବୁଲୁଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ସବୁ ଗାଡି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ତାର ମଧ୍ୟ ଲିଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଅବଗତ କରାହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଅଭୟକାନ୍ତ ପାଠକ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଅଡୁଆ ବଢୁଛି, ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ବହିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କିଭଳି ବରଖାସ୍ତ କରିବେ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସୁପାରିଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅବସର ଦିଆଯାଉ। ଏଭଳି ଜଣେ ଦୁର୍ନୀତି ନଷ୍ଟ ଅଫିସର ଯଦି ରହିବେ ତାହେଲେ ଦୁର୍ନୀତି ଆହୁରି ବଢିବ, ଦୁର୍ନୀତିକୁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ନ ଦିଆଯାଉ, ଦୁର୍ନୀତି କିଭଳି ଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂଳରୁ ନିପାତ କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅବସର ଦେବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ଗୋଟେ କଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ 20 କୋଟି ଟଙ୍କା, ପାଖାପାଖି 20 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଭୟକାନ୍ତ ପାଠଠୁ ଜବତ କରାଯାଇଛି, ତାଙ୍କଠୁ ମିଳିଛି ଯାହା ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି। ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି, ତାଙ୍କ ପୁଅ କିଭଳି ଭାବରେ ଠକୁଥିଲେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଏବଂ ଯୋଉ ଜାଲ କାଗଜପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ପଇସା ହଡପ କରୁଥିଲେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ କୁହାହେଇଛି। ତ କେଉଁ ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଏ ଅଡୁଆ ଆହୁରି ବଢୁଛି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏ ଦିଗରେ କଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି ତାହା ତ ଭିନ୍ନ କଥା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜଣାପଡିବ, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଅଭୟକାନ୍ତ ପାଠଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅବସର ଦିଆଯିବ ସେ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସୁପାରିଶ କରିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ। ତ ଏଥିରୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି କେଉଁ ନା କେଉଁଠି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦିବ୍ୟ, ଆପଣ ଯେଭଳି ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଅଭୟକାନ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅବସର, ଦୁର୍ନୀତି ସମ୍ପର୍କରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଏନେଇ ସୁପାରିଶ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ତେବେ ପାଖାପାଖି 20 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା ଅଭୟକାନ୍ତଙ୍କ ନାଁରେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦିବ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଖବରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ସରିଛି। ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ନମସ୍କାର।